मुख्यमंत्री जनता के दरबार कार्यक्रम में थे और कई गंभीर आरोप जो हैं उन्हीं के सामने उन्हीं के सुशासन की छवि वाले प्रशासन पे लगे, जिसे आप हमेशा मुख्यमंत्री जी सुशासन की सरकार कहते हैं और उन्हीं सुशासन की सरकार वाले एसपी डीएम तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं के सामने कई आरोप लगे। जनता दरबार लग रहा है, सुशासन की बात कही जा रही है, आज नहीं विगत 15 वर्षों से ही बात कही जा रही है। लगातार आज जो तस्वीर देखने को मिली काफ़ी मतलब कि कहा जाए तो आहत किया उस तस्वीर ने, कई आरोप लगे, रेप तक की अधिकारियों का आरोप लगे। जो सरकार विधानसभा में जनता के सवालों को उठाने पर बौखला करके पुलिसकर्मियों से विधायकों का अपमान करवाती है, लात बूटों से पिटवाती है, उस सरकार के ऑफिसर तो इसी तरह के लोग होंगे और उनका मन बड़ा हुआ है हम विधायक को ही पीट देंगे लात से बूट से, हम सदन की ओर रौंद देंगे तो सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हम रेप भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उनके ऑफिसर उनके लोग यही समझ रहे हैं। इसलिए इसका सीधे जिम्मेवार नीतीश भाजपा सरकार है। अच्छा, जनता दरबार की बात कर लीजिए, लगातार सत्ताधारी दल जो है जेडीयू की बात करें, जनता दल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जनता के दरबार में सहयोग कार्यक्रम चला रहा है, कि क्या वजह है चुनाव परिणाम जो है उसको लेकर के क्या जनता से दूरी बन गई है क्या इन लोगों की? यानी ये लोग देखिए जनता के बीच नहीं रहते हैं, इनके विधायक इनके मंत्री जनता के बीच नहीं रहते हैं, इनके लोग जो बड़े पूंजीपति घराने हैं, जो ठेकेदार हैं, जो अपराधी माफिया हैं, उन्हीं के साथ ये लोग रहते हैं 24 घंटा, तो जनता के बीच तो जाते नहीं हैं। इसलिए जनता दरबार लगा करके ये नाटक करते हैं कि बहुत हमें जनता के सवालों के प्रति मैं संवेदनशील हूँ। और सच में अगर आप चलो भाई कम से कम एक जनता दरबार में तो जनता को कम से कम मिलने का और अपने दुख दर्द सुनाने का अपने सवाल रखने का मौका मिलता है, तो यहाँ से तो हल होनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हल करनी चाहिए, यहाँ हल नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे लोग। कोविड के समय में आपको हमने देखा काफ़ी एक्टिव थे, 24 घंटा हॉस्पिटल में रहकर लोगों की इलाज करवाते थे, क्या स्थितियाँ बदली है सरकार उसके बाद कह रही कि पूरा आदम सरकार अभी भी गंभीर नहीं है, अभी भी लापरवाह बनी हुई है। हमारे आरा जिला के सदर अस्पताल में कहा जा रहा है कि तीसरा लहर में बच्चे चपेट में आएंगे, दुनिया में ये बात कही जा रही है, और यहाँ पे आप सुने होंगे अभी तुरंत पटना में 2 बच्चों की मौत भी हुई है, तो बाल चिकित्सा यूनिट वहाँ नहीं है, तो बच्चों को कैसे आप कोरोना से बच्चों का जीवन बचाएंगे, बच्चों की कैसे आप जान बचाएंगे? जब बाल चिकित्सा यूनिट नहीं है, बच्चों का स्पेशल वहाँ पे कोई इलाज का व्यवस्था नहीं है तो कैसे बचाएंगे? इसलिए अभी भी सरकार गंभीर नहीं है, ना जाने कितने लोगों की ये सरकार जान लेगी तो इस सरकार का पेट भरेगा। तीसरे लहर की तैयारी में नहीं है सर? बिल्कुल तैयारी में नहीं है, आप देख लीजिए, बतावें ना सरकार बतावें कि किन जिला अस्पतालों में, किन रेफरल अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये लोग बाल चिकित्सा यूनिट रखे हैं, सरकार बतावे। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, दावे के साथ कह रहे हैं, उसका आधारभूत ढांचा भी नहीं है। तो जिले के प्रभार भी मंत्रियों को बनाया गया था समीक्षा करने के, जमीन पर जाकर स्थिति को जायजा लेने के लिए। जमीन पर कहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ तो माननीय मंगल पांडे जी गए थे स्वास्थ्य मंत्री, उस समीक्षा मीटिंग में मैं भी था, मैंने कहा कि आपको सही मायने में समीक्षा करना है तो यहाँ के अस्पतालों में चलिए फिजिकली जाँच कर लिया जाए, अगर सही मायने में आप बाढ़ के लिए आए हैं, बाढ़ भी आया हुआ था उस समय, अभी थोड़ा कम हुआ है पानी हमारे ज़िले में, तो आप चलिए वहाँ नदी किनारे लोगों से मिलिए जो बाढ़ से प्रभावित हैं, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं जो गिर गई हैं, जो बच्चे गिर गई हैं, वो जिनके घर में ईंधन नहीं है, जिनके घर में अनाज नहीं है, और जो दवा लाने के लिए जा भी नहीं सकते बीमार पाने पे, उनके यहाँ दवा का एक कीट हो उसको रेस्क्यू करके जो गर्भवती महिला है उसको लाया जाए बाहर, वहाँ जो स्कूल में पानी हो गया है उसको पढ़ाई, अस्पताल जो गिर गया है पानी से उसका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। तो आप अफसरों के बीच केवल समीक्षा करने से संपूर्ण समीक्षा होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर जमीन की पर आपको समीक्षा करना हो तब आपको जा करके जमीनी बात पता चलेगा, इसलिए समीक्षा के नाम पर ये लोग केवल खाना पूर्ति करते हैं। तो बिल्कुल समीक्षा के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है, इनके ज़िले के प्रभार जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, मनोज मंजिल हैं, मालिक विधायक हैं, इन्होंने साफ तौर पर जनता दरबार के कई सवाल थे और साथ ही साथ सुशासन की जो बात कही जाती है उसकी जो पर्दा है वो साफ तौर पे आज हटी। जनता दरबार कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री के सामने कई फरियादी, ज़्यादातर फरियादी की बात की जाए तो सभी की समस्या एक ही थी, अफसरशाही। देखते रहे हेडलाइंस बिहार, नमस्कार।